बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे मामला कहां टक रहा है, मैं बताता हूं आपको। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, 94.3 MHz सुन भी रहे हैं आप, देख भी रहे हैं। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बिल्डर के अंडर में ना कारीगर काम करता था, और कारीगर की उम्र ज्यादा हो गई थी, तो बिल्डर के पास पहुंचा और जाकर के बोला कि बॉस अब मुझे रिटायरमेंट लेना है, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे छुट्टी उट्टी चाहिए, आप मुझे फ्री कर दो, मैं घर जाकर के बच्चों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, बहुत काम कर लिया। बिल्डर ने कहा कि चले तो तुम जाओ, लेकिन एक प्रोजेक्ट अटक रहा है, एक मकान और बना के चले जाओ, बस उसके बाद तुम जो कहोगे, तुम्हारा जैसा रिटायरमेंट तुम बोलोगे वैसा रिटायरमेंट तुम्हें मिलेगा। अब कारीगर ने सोचा कि बॉस जाते हुए भी एक और मकान बनवा रहा है, मतलब बॉस तो बॉस होता है ना, मतलब आप जब घर जा रहे होते हैं तो शाम में बॉस एक काम दे देता है, फिर आप वो काम करते हो। कारीगर ने कहा ठीक है चलिए मैं करता हूं। कारीगर गया, मकान बनाने लगा। बेमन से उसने 3-4 महीने में मकान बना के तैयार कर दिया, मतलब बिल्कुल बेमन से। उसको लग रहा था कि क्यों, मतलब जाते हुए भी एक और काम करो। 3-4 महीने बाद वो फिर पहुंचा बॉस के पास, बोला वो जो सर आपने जो मकान बनाने के लिए कहा था वो मकान मैंने बना दिया, आप चल करके एक बार देख लो कैसा क्या है। बिल्डर और कारीगर दोनों पहुंचे, तो जो साइट थी वो जहां मकान बन रहा था उससे थोड़ी दूर पहले जाकर के खड़े हो गए। बिल्डर ने वो मकान देखा और वो देखता है कि मतलब इतना आड़ा टेढ़ा अजीब सा मकान बनाया इस कारीगर ने, अब तक जितने मकान बनाए शानदार बनाए, लोग तारीफ करते थे। बिल्डर ने उस कारीगर को चाबी दे दी और कहा कि यह मकान मैं तुम्हारे लिए बनवा रहा था। अब कारीगर को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। अगर उसे मालूम होता कि मकान वो खुद के लिए बना रहा है तो शानदार मकान बनाता, उसने आज तक इतने सारे शानदार मकान बनाए, लेकिन उससे मालूम नहीं था, इसलिए वो बेमन से आड़ा टेढ़ा अजीब सा जल्दी से मकान बना के खत्म कर दिया। कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन आपकी जिंदगी में भी यही हो रहा है। आप रोजाना एक ईंट उसके ऊपर दूसरी ईंट अपना मकान बना रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं, लेकिन आप भूल जा रहे हैं कि वो आप ही का फ्यूचर है। बेमन से काम करना बंद कीजिए, रिजल्ट यहीं अटक रहा है। प्यार से काम कीजिए और काम से प्यार कीजिए। MHz पर आपसे यही कहता है कार्तिक, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप MHz सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।